अगर आपने सीएससी आईडी को बचाना है करने से, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, पीएम किसान का ई केवाईसी कर रहे लोग सभी लोग एक ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना है सबसे पहले। जैसे कि इस वेबसाइट को सभी लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी कर पाएंगे और इसका लिंक सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, लेकिन ये जो लिंक है ये आपका सीएससी आईडी हैक हो सकता है इस लिंक के माध्यम से, तो आपको सावधानी बरतना है और बिल्कुल इस लिंक से आपने सीएससी आईडी को लॉगिन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका सीएससी आईडी हो सकता है कि आपका आईडी हैक हो जाए, ये गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन आपको मैं आप सारा कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई यूट्यूब पे, हमारा अपलोड है और उसमें हमने बहुत कुछ बताए हैं, लेकिन फिर से हम यहाँ पे आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि ये जो लिंक है कितना खतरनाक है आपके लिए, आपके सीएससी आईडी के लिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को जैसे भी आप डालते हैं ये सारा कुछ डाटा हैकर के पास चला जाता है, ये डाटा बिल्कुल आपका सेफ नहीं है, कोई भी सिक्योर नहीं है, जितने भी डाटा डालेंगे यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सिक्योर नहीं है, आपका आईडी पासवर्ड भी सिक्योर नहीं है। जैसे आप लॉगिन करेंगे हो सकता है कि आपका सीएससी आईडी हैक हो जाए, कोई गारंटी नहीं है अगर इस लिंक के माध्यम से आप लॉगिन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं exlink.pmkisan.gov.in, ये लिंक हमने जो ओपन कर रखा है आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो लिंक है डायरेक्ट ऐसे ही ओपन हो रहा है। जैसे ये लिंक जब हम सीएससी में लॉगिन कर लेते थे तब इस तरह का हमें दिखाई देता था, लेकिन हमने अभी लॉगिन नहीं किया फिर भी इस तरह से शो कर रहा है, क्यों, आखिर में इसमें क्या राज है? तो हमें यहाँ पे देखना होगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले HTTPS जो लगता है वेबसाइट में, देखिए यहाँ पे जब हम लिंक टच करते हैं तो इससे पहले HTTPS है तो समझिए सिक्योर है, अगर HTTPS नहीं लगा है तो ये अनसिक्योर वेबसाइट है, यानी कि आपका डाटा कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, बारीकी से ध्यान रखना होता है इन चीज़ों के बारे में, अगर आप इंटरनेट की दुनिया में है तो ये सब चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अपने सीएससी आईडी को बचाना है, तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपने गलती कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए इस वीडियो में समाधान आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि एरर की तरह दिखाई देता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं और कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, ये यहाँ पे क्लियर बता रहा है ये जो कनेक्शन है और कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, यानी कि ये वेबसाइट आपके लिए सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है, यानी कि कुछ भी आप इंफॉर्मेशन डालते हैं वो किसी के पास भी जा सकता है, यानी कि ये आपके पास सिक्योर है ही नहीं। जितने भी आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ भी आप डालते हैं इस वेबसाइट में तो बिल्कुल ये डाटा सब कुछ हैकर के पास जा सकता है। यू शॉल नॉट इंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइट, यानी कि जो भी कुछ आपका सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, यानी कि बैंक से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, OTP वगैरह कुछ भी आपको इसमें नहीं डालना है, अगर आप वहाँ डालते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल में बताया जा रहा है जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड, इस तरह के डिटेल आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है, बिकॉज इट कॉल्ड बी स्टॉलन बाय अटैकर्स, ठीक है, यानी कि आपका जो भी है यहाँ पे अटैक कर सकता है, साइबर जितने भी साइबर लोग होते हैं, जो भी साइबर हैकर लोग होते हैं वो आपको अटैक कर सकता है, यहाँ पे आपकी आईडी पासवर्ड को, हो सकता है कि आपका सीएससी भी आईडी अटैक कर ले, आपका हैक कर ले, तो कोई भी गारंटी नहीं है इस वेबसाइट का, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देख लें इसे पूरा डिटेल से पढ़ लें और समझ लें। कोई भी कुछ यहीं भी जहाँ पे आपको लिंक मिल रहा है वहाँ पे आप लॉगिन करते जा रहे हैं, बिल्कुल ई केवाईसी के चक्कर में आप ये सब चीज़ भूल जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये चीज़ मिस नहीं करना है। जहाँ भी वेबसाइट में HTTPS से शुरुआत नहीं होता है, HTTP से भी शुरुआत होता है तो आपको वहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, HTTPS होना चाहिए। आपको हम दिखाते हैं कोई वेबसाइट में, जैसे कि इस वेबसाइट में हम आ जाते हैं पीएम किसान लोन, ठीक है, इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पे और इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, आपके देख रहे होंगे यहाँ पे जो ग्रीन वर्ड दिखाई दे रहा है HTTPS, ये यहाँ पे ये आपके लिए सिक्योर है,
यहाँ पे आपका जो भी डाटा है वो सरकार के पास ही जाएगा, उसके अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। लेकिन इस वेबसाइट में आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट में हम आते हैं, इसमें HTTPS हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि ये भी जो वेबसाइट है सारा कुछ टोटल ये फर्जी वेबसाइट हमें लग रहा है, और लगता है कि बिल्कुल फर्जी है ही। आपको यहाँ पे कुछ भी डाटा इंटर नहीं करना है फिलहाल अभी, और आने वाले समय में जैसे CSE के माध्यम से अगर लॉगिन करते हैं या फिर इस वेबसाइट के माध्यम से हमें लॉगिन हो जाता है यहाँ से, तभी आपको लॉगिन करना है वरना नहीं करना है। जैसे कि हम यहाँ पे CSE लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करके अगर हमारा लॉगिन हो जाता है तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, और विदाउट कोई भी लिंक के माध्यम से हमें कहीं नहीं जाना है। अगर जाएंगे हो सकता है आपका CSE ID हैक हो, ये गारंटी नहीं कि हैक हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपका CSE ID हैक हो जाए, तो आपको बच करके रहना है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।